अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरतू काजमी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह से पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज बड़े लंबे टाइम के बाद संजय दीक्षित जी ने ज्वाइन किया है। बहुत बिजी रहते हैं सर, दो दो चैनल आपके, आप और चीमा साहब दोनों बहुत बिजी हैं सर, के दो दो चैनल चला रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया कि नमस्ते आज आ पाए। नमस्ते। देखिए, आपने बुलाया नहीं, आपने बुलाया होता तो हम आते थे, आपने बुलाया ही नहीं तो फिर आप शिकायत नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी मेरे ऊपर चला गया, चले कोई बात नहीं, लेकिन आज बहुत शुक्रिया कि आप आए। लेकिन बहुत जबरदस्त किस्म के सर के चैनल्स हैं और आप लोग यकीनन देखते होंगे। तो सर, आज हम जरा बात करेंगे कि ये क्या हंगामा इंडिया में चल रहा है, चाहे वो मुस्लिम्स हों चाहे हिंदूज हों। पहले एक बिल्किस बानो का केस था, उसके ऊपर बातचीत चल रही थी, और अब जो है अंकिता, मेरे ख्याल है यही प्रोनाउंसिएशन, अंकिता का केस सामने आया है। और अफसोस होता है क्योंकि किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। आप किस तरह देख रहे हैं कि आखिर ये चीजें क्यों बढ़ रही है? साथ साथ जो अंकिता के केस में कहा गया शाहरुख नाम बताया गया, लेकिन कई पेपर, आपके अपने यहाँ के पेपर जो है वो नाम अभिषेक लिख रहे हैं, तो ये क्या कंफ्यूजन है? पहले आपने बिल्किस बानो के केस का रेफरेंस दिया तो पहले उसको ले लेते हैं। बिल्किस बानो का केस बिल्कुल अलग है, उसमें लोग कन्विक्टेड हैं। देर वॉज एन अनफॉर्चुनेट रेप इंसिडेंट 2002 के गुजरात राइट्स से, उसके डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं, लेकिन वो लोग कन्विक्टेड थे और एज कन्विक्ट्स कन्विक्ट्स के भी कुछ राइट्स होते हैं, आप जानते हैं ह्यूमन राइट्स सभी के होते हैं। तो इंडिया में और पाकिस्तान में भी सब जगह सिस्टम है कि उनके रेमिशन का उनको अपील करने का राइट होता है, उसकी कोई कमेटी होती है, उस कमेटी ने कोई रेमिशन की जो एप्लीकेशन आई उसके ऊपर रेमिशन पे कंसिडर करके उनकी जो सज़ा थी, जो कि 2002 से 20 साल हो गए, तो उनकी जो सज़ा थी उसको उन्होंने रिमिट कर दिया। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि मर्डर कन्विक्ट्स की भी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, वो मर्डर कन्विक्ट्स की भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट अमूमन अगर गुड कॉन्डक्ट होता है तो वो रिमिशन वगैरह सबका मिला के वो 14-15 साल का में छूट जाते हैं। तो इनको 20 साल बाद उस कमेटी ने छोड़ दिया। अब उसमें हंगामा इसलिए हो रहा है कि उस कमेटी में जो दो मेम्बर थे वो रूलिंग पार्टी के थे, तो ये जो है ये एक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म मिल गया। लेकिन एज फार एज लीगैलिटी इज कंसर्न, तो लीगैलिटी में तो जो रूल्स हैं वो काम तो सारा रूल्स के तहत ही हुआ है। अब प्रोसीजरल लैप्स अगर कोई है तो उसका उन्होंने कोर्ट में गए, कोर्ट अपना डिसीजन लेगा। तो उसके ऊपर तो खैर हमारे यहाँ तो जो लेफ्टिस्ट हैं वो तो आप जानती हैं ना, वह आपके यहाँ लेफ्टिस्ट है नहीं, तो आपको इस प्रजाति की जो ये हम प्रजाति बोलते हैं, प्रजाति मतलब होता है एक एनिमल स्पीशीज़ होती है, इस स्पीशीज़ की, इस प्रजाति की, तो इस स्पीशीज़ का आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे यहाँ स्पीशीज़ बहुत एक्टिव है और वो सिलेक्टिव टारगेटिंग करती है। आप ये देखिए, जैसे आपने सुना होगा, ये बात होती रहती है अक्सर कि आपने अखलाक का नाम सुना होगा, तो अगर मान लीजिए एक बिल्कुल सेट पैटर्न है कि अगर कोई हिंदू से किसी मुस्लिम का अगर मान लीजिए वो कोई अट्रोसिटी हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, तो उसको वो पूरा ब्लो अप कर देंगे और उसको बना देंगे इंटरनेशनल न्यूज़ और उसको लेके। ये किसी को नहीं पता, हमने तो उसका अब रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है और वो बिल्कुल हम सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे हैं कि पिछले 2 महीनों में इस सरतन से जुदा गैंग ने, जिहादियों ने, इन सब ने मिलके कम से कम नहीं तो 15 हिंदुओं का मर्डर किया है। और 2014 से जब से अकॉर्डिंग टू आवर लेफ्टिस्ट ब्रदर्स, हम तो उनको पंचमक्कार कहते हैं, पंचमक्कार मतलब मुल्ला मिशनरी मार्क्सिस्ट और मैकॉलेज सन्स एंड डॉटर्स एंड मीडिया, हमारा मीडिया भी मेनली लेफ्टिस्ट है बट स्पेशली द लुटियंस वैरायटी। 2014 में ऑफकोर्स दे डिक्लेयर्ड कि भाई जो इंडिया है दैट हैज़ बिकम अपोस्टेट, इंडिया जो था वो 2014 में अपोस्टेट हो गया। तो उसके बाद से 2014 के बाद से 2022 तक 8 साल में
220 से ऊपर हिंदुओं की हत्या जिहादी लोगों द्वारा की जा चुकी है और अनगिनत केस ऐसे हैं जिसमें हिंदू लड़कियों को ट्रैप किया गया और उसमें से बहुत इतनी है, ये जो 220 मैं बता रहा हूँ, 220 प्लस, उसमें इनके भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको ट्रैप करके और किसी मुस्लिम यूथ ने फंसा के उनको पहले उनसे शादी की और बाद में उनका मर्डर कर दिया। इस तरह के भी केस इसमें 50-60 से ज़्यादा हैं। तो ये एक नैरेटिव वॉर चलाते रहते हैं ये लोग। अब आप ये देखिए कि जिसका आपने भी रेफर किया, ये अंकिता वाला जो केस हुआ, वो अंकिता वाला केस आप देखेंगे कि जो सरकार इस वक्त है उस स्टेट में, झारखंड है स्टेट का नाम, पहले बिहार का पार्ट हुआ करती थी, बिहार से सेपरेट होके झारखंड स्टेट बनी, तो उस झारखंड स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है। लेफ्टिस्ट इन द सेंस कि उसका जो एक लोकल पार्टी है इट इज़ कॉल्ड झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसको सपोर्ट कर रखा है कांग्रेस ने, और कांग्रेस जो आजकल है, कांग्रेस का जो कैरेक्टर है वो पूरा चेंज हो चुका है। जो कांग्रेस एक लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी हुआ करती थी भारत में, और कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से लेफ्ट ऑफ लेफ्ट चली गई है और सारे ऐसे मुद्दे उठाती है जिसका लोगों से बहुत अधिक सरोकार नहीं है, लेकिन वो जो इंटरनेशनल लेफ्टिस्ट नैरेटिव्स होते हैं उनको उठा के चलती है यहाँ पर। तो वो भी इसी तरह के जो हम कहें कि नैरेटिव्स में इंडल्ज करती है। तो ये तो मोटी मोटी बात हो गई, बाकी जो स्पेसिफिक केस है अंकिता पे उस पर आप कुछ पूछेंगे तो मैं बता दूँ। नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ जिस तरह से देखा गया कि वो कहा गया कि नाम शाहरुख है और उसके बाद आपके अपने जो न्यूज़पेपर और मीडिया है उस पे नाम जो है वो अभिषेक बताया गया, ये क्या कंफ्यूजन है? और ये सिर्फ आपको लग रहा है कि बस रिलीजन को लेकर ही ये सब कुछ है, और वो जिसको अरेस्ट किया गया था वो इतना रिलैक्स लग रहा था, ऐसा लग रहा था उसने कुछ किया ही नहीं, हंसता मुस्कुराता हुआ पुलिस के साथ जा रहा है, इन लोगों को रोकने का कोई तरीका तो होगा? नहीं, उसका तो ये तरीका है, देखिए बेसिकली इस वक्त जो भारत में जो नैरेटिव चल रहा है स्पेशली अमंग मुस्लिम्स और कुछ पॉकेट्स हैं विशेषकर जहाँ पे चल रहा है, वहाँ पर ये एक बार फिर से ये यहाँ पर यही नैरेटिव चल रहा है कि भाई ये तो हमारा इलाका था, इसको जो है वो अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को गलत से दे दिया, हमें इसके ऊपर वापस कब्जा करना है। और जो इंडियन स्टेट है पर्टिकुलरली उन स्थानों पर जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है, बल्कि उनको चूंकि ये थोक में वोट गारंटी कर देते हैं तो ये बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं, ये भाई बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, और उसके बाद ये पूरी तरह से लोगों को रेडिकलाइज करके और इस डायरेक्शन में चलाते हैं। जो लोग कहते हैं कि साहब ये माइनॉरिटी है और ये अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, उनको मैं सबको याद दिला दूँ कि सरदार पटेल ने 1949 में ही कह दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग में, आई थिंक इट वाज 28 मई 1949 को, उन्होंने ये कहा था कि भाई ये माइनॉरिटी, ये कौन सी माइनॉरिटी है, ये कहती है कि हम बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं और हम अपने जो हमारे जो मुद्दे हैं उनको हम बहुत मजबूती से रखते हैं, ये माइनॉरिटी कौन सी माइनॉरिटी है जो एक मुल्क को तकसीम करा देती है, ये किस तरह की माइनॉरिटी है? और ये जो माइनॉरिटिज्म था जो पार्टीशन से पहले यहाँ पे प्रमोट किया गया उसको अनफॉर्चुनेटली कंटेन करने का कोई प्रयास हुआ नहीं। फिर यहाँ पर तो चूंकि डेमोक्रेसी थी तो यूनिफॉर्म वोटिंग थी और यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज था, तो ये मुल्ला मौलाना को बहुत अच्छा एक मौका मिल गया कि जो उनके फॉलोअर्स थे उनको उन्होंने बिल्कुल एक वोटिंग मशीन की तरह बना के, और उनको जो आप कैसे ये बरगलाते हैं वो तो आप खुद पाकिस्तान में देखती हैं कि किस तरह से वो उनको चूरन बेचते हैं,
वही चूरन वो इनको यहाँ भी बेच रहे हैं। एक सेक्युलर सरकार का ये दायित्व होता है, ये जिम्मेदारी होती है कि वो अगर वाकई सेक्युलरिज्म की बात कर रही है, तो सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि देयर शुड बी इक्वल राइट्स फॉर एवरीबॉडी। लेकिन जमाव यहाँ पर जो है ये कुछ तबकों को, विशेषकर मुस्लिम्स को, स्पेशल प्रिविलेजेस दे के रखा गया है, और उसके वजह से कई स्थानों पर जब सरकारें जो हैं वो इनफेक्टिव हो जाती हैं या इनके ब्लैकमेल का शिकार हो जाती हैं, तो वहाँ पर हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप ये देखिए कि ये लोग इस तरह की हरकतें यूपी में नहीं करते, क्योंकि यूपी में उन्हें पता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो लॉ एनफोर्समेंट है वो योगी आदित्यनाथ के अंडर में बहुत स्ट्रांग है। जहाँ जहाँ इनको इस तरह का मौका मिल जाता है, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ हमारे स्टेट राजस्थान, यहाँ भी इस तरह की हो रही है। आपने कन्हैया का इंसिडेंट देखा, वो भी यहीं हुआ, उसके पहले करौली, जोधपुर, जगह जगह ये इंसिडेंट्स हुए, सब यहीं हुए। एवरीवेयर द सो कॉल्ड माइनॉरिटी वॉज द एग्रेसर। तो ये जो एग्रेशन जो घुट्टी में पढ़ाया जाता है बचपन से, वो अल्टीमेटली ऐसे रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन चूंकि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, पर्टिकुलरली बीजेपी, और उसके ऊपर ब्रांड लगा हुआ है, उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, वो लेबल किसने लगाया, इन लेफ्टिस्ट ने चिपकाया हुआ है कि साहब ये तो जो है वो कम्युनल गवर्नमेंट है। हालांकि अगर आप एविडेंस देखेंगी तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके वजह से वो भी अपोलोजेटिक और डिफेंसिव रहते हैं, इफेक्टिव एक्शन नहीं लेते। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ पर जो होना चाहिए, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए, वो अगर नहीं होता है तो फिर दे गेट इनकरेज्ड, और उस इनकरेजमेंट की वजह से फिर तरह तरह के तमाशे करते हैं लोग। जैसा कि पार्टीशन में, अगर आपने मेरी किताब पढ़ी है तो मैंने लिखा है ना कि वहाँ पर रोज ये आदत है ये आपके मुस्लिम लीडरशिप की कि उनको रोज नई डिमांड लानी है। आप एक चीज अगर मीट आउट कर दें तो नई डिमांड दूसरी आ जाएगी, वो दूसरी कर दें तो तीसरी आ जाएगी। आप उनको पाकिस्तान दे दें तो कहेंगे नहीं हमें जम्मू कश्मीर भी चाहिए, आप उनको अगर जम्मू कश्मीर भी दे दें तो कहेंगे नहीं अब हमें पंजाब चाहिए, आप उनको पंजाब दे दें तो कहेंगे नहीं हमें दिल्ली चाहिए, दिल्ली तो आखिरकार जो है वो मुगल एम्पायर की सीट थी तो वो चाहिए। तो ये जो एक तौर तरीका है इनका, जिसको हम लगातार एक्सपोज करते रहते हैं, वो मुझे लगता है कि सरकारों को अब समझना चाहिए। और ये तो किसने कहा था, आई थिंक क्रिस्टीन फेयर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि अगर इंडिया कश्मीर को तश्तरी पे रख के पाकिस्तान को सौंप दे तो भी पाकिस्तान का रवैया बदलना नहीं है भारत के प्रति। वो तो सर कहा जाता है, फिर कोई और रीजन निकल आएगा, कुछ और निकल आएगा। लेकिन सर नाम की कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि आपका मीडिया उसका नाम वो मैंने बोला ना, वो बता बोला आपको पंच मक्कार, हमारे जो पांच मक्कार है, मक्कार तो आप जानती है ना। जी जी जी। तो पांच मक्कार जो है, वो पांच मक्कारों में हमारा लुटियंस मीडिया भी है, और खास तौर से ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसको तो जिसने सबसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे वगैरह है, इनको तो कई बार पकड़ा गया। बहुत सारे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस में जहां पर ये झाड़ फूंक वाला मौलाना होता है उसको ये तांत्रिक लिख देते हैं। तो हमने कम से कम पॉइंट होंगे इसके, इस तरह के कम से कम नहीं तो 20-30 केसेस पॉइंट आउट किए होंगे, क्योंकि काफी कंफ्यूजन थी। अल्टीमेटली इनको प्रोसिक्यूट जब तक नहीं करेंगे तब तक ये नहीं सुधरेंगे। ये पता नहीं कितने केसेस में इस तरह का, ये आप अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो इस तरह के केसेस आते रहते हैं। खासतौर से टाइम्स ऑफ इंडिया इज द मेजर गिल्टी पार्टी इन दिस, कि कोई मौलाना ने झाड़ फूंक नाम पे किसी के से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर दिया तो वो तांत्रिक लिख के और उस पे हिंदू साधु की पिक्चर डाल देंगे, और उसके बाद फिर जब सोशल मीडिया में आउटरेज होगी तब उसको हटा देंगे। इसी तरह से ये अभिषेक कर दिया, बताइए वो नाम उसका शाहरुख है, सब जान रहे हैं, पूरी दुनिया जान रही है, उसके खिलाफ पहले कंप्लेंट हो चुकी है। देखिए क्योंकि सर मैंने वीडियो देखी है उस लड़की की जिसके ऊपर उसने अटैक किया था, वो भी शाहरुख कह रही है। शाहरुख ही है, वो है, उसमें कोई शक थोड़ी है शाहरुख है। उसके खिलाफ जो है इन्होंने स्टॉकिंग की कंप्लेंट पहले ही की थी, 5 दिन पहले ही की थी,
बिल्कुल लेकिन वहां पे पूरा का पूरा जो सिस्टम इस तरह का हो रहा था कि उसने जो है वो ध्यान नहीं दिया, और अल्टीमेटली वो शाहरुख को इतना इनकरेजमेंट मिला कि उसने न केवल उसको किया, वो हंसता रहा, वो जलती रही, वो बाहर खड़ा हुआ हंसता रहा और बोला अभी 5 को और मारूंगा। सर ये टॉलरेंस लेवल कुछ खराब नहीं हो गया इंडिया में? इंटॉलरेंस बढ़ती चली जा रही है। अभी जैसे ये केस है, इसके पहले केस की बात हुई थी, खैर वो डिफरेंट चीज थी जो बिल्किस बानो का है, लेकिन ये केस हुआ, इस तरह के मजीद केसेस भी इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। क्या पहले भी होते थे, सिर्फ मीडिया की वजह से अब ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं? साथ साथ ये भी देखा है कि जैसे पहले उसके ऊपर रणबीर कपूर की मूवी के ऊपर केस को भी बायकॉट कर दो, सिर्फ इसलिए कि उसने कह दिया कि मैं बीफ खाता हूँ। बीफ तो बहुत से हिंदू खाते हैं और बहुत सों को तो मैं भी जानती हूँ जो खाते हैं, तो उसमें जो है सिर्फ उस चीज के पीछे जो है वो सही है या गलत, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन सिर्फ उसके पीछे मूवी को बायकॉट करना कहाँ तक सही है? नो मूवी को उस वजह से नहीं बायकॉट हो रहा है कि वो रणबीर कपूर जो है वो इस तरह की बातें, खाली उसने बीफ कह दिया, वो तो और भी बातें बोलते हैं ना। देखिए ये बॉलीवुड वाला जो पूरा किस्सा है इसको आपको शुरू से समझना पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड का किस्सा बिल्कुल अलग है। बॉलीवुड जो है वो उसने जो है 60s तक जो मूवीज बनाई, 60s तक बल्कि 70s तक जो मूवीज बनाई वो हमारे जो जिसको हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो कल्चर है उसमें रिफ्लेक्ट होता था, और अर्ली 70s से आप समझ लीजिए 75 के आसपास से उसमें तब्दीली आनी शुरू हो गई। और उसका ये रीज़न ये भी था कि उसमें बहुत सारे जो आपके लोग जो आज़ादी से पहले पाकिस्तान के तराने लिखा करते थे वो एथीस्ट बन के और इधर घुस के पाकिस्तान के आज़ादी के तराने लिखवाने वाले कैफी आज़मी, मजाज लखनवी, जावेद अख्तर के पिताजी जानिसार अख्तर, ये सारे के सारे पाकिस्तान मूवमेंट के साथ में थे, लेकिन ये गए कोई नहीं पाकिस्तान, इस सारे के सारे रह गए हिंदुस्तान में। फिर उन्होंने एक प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बनाई, लबादा ओढ़ा कम्युनिज्म का और उसमें उसके मेंबर बन गए। उस प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ने धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट करके बॉलीवुड को, और उसके बाद फिर एंटी हिंदू नैरेटिव सेट करना शुरू किया अराउंड 75 से, और वो एंटी नैरेटिव हिंदू काफ़ी तो चला गया, हिंदू जनरली ज़्यादा बहुत बॉदर करता भी नहीं है, एटीट्यूड जरा सब कुछ एक्सेप्ट करने वाली होती है। लेकिन इंटरनेट के बाद से तो फिर हम लोग, हमारे जैसे लोग तो हैं वो कॉन्शियसनेस बढ़ा रहे हैं ना कि भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, किस तरह से नैरेटिव सेट किया जाता है कि साहब कि एक हर मूवी में जो गुंडा होगा वो हिंदू ही होगा, मतलब आज तक किसी फिल्म में कोई मुसलमान गुंडा मिला ही नहीं इनको आज तक। सर वो था ना लोटिया पठान क्या तेजाब मूवी थी उसमें लोटिया पठान तो एक्सेप्शंस ओनली प्रूव द रूल, एक्सेप्शन जो है वो रूल, बिकॉज़ रूल वो सेज। मुझे इसलिए याद है कि हम लोग छोटे छोटे तो मूवी आई थी, तो मेरे कजन कहता था बड़ा होके लोटिया पठान बनूंगा बड़ा होके, क्योंकि वो थे उसमें एक्टर जो थे करण कुमार थे शायद, तो वो इसलिए मुझे याद है। तो अब हुआ क्या है कि पीपल हैव वाइजन्ड अप, लोगों को ये पूरा का पूरा जो एंटी हिंदू स्टफ जो परोसा जाता है, लव जिहाद चलाया जाता है इनडायरेक्टली, तो इस तरह के जब थीम्स चलते हैं तो फिर अब लोगों को समझ में आने लगा है तो लोग अब रिएक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें आपका, ये इसका आप कह रही ना, इसका आपने ब्रह्मास्त्र की बात की रणबीर कपूर जी वाली, तो जी वो आलिया भट्ट बोलती है कि भाई अगर आपको मैं पसंद नहीं हो तो आप मूवी देखने क्यों जाते हो। ब्रह्मास्त्र के बारे में पता चला तो उसकी स्टोरी लाइन जो थी, दैट स्टोरी लाइन वाज बेसिकली वो ली गई थी रूमी से, नाम कर दिया उसका ब्रह्मास्त्र। डायलॉग राइटर जो है वो सारा डायलॉग उर्दू में लिख रहा है, मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर, ये बताइए कि हमारे यहाँ इस तरह की भाषा कौन बोलता है, इस तरह की लैंग्वेज जो है वो पाकिस्तान में आम होगी, इंडिया में तो आम नहीं है,
या तो इतनी सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वी हैव 22 रीजनल लैंग्वेजेस ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, 22 लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश, 23 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं भारत में। और आप किसी भी अगर स्टेट की असेंबली की अगर प्रोसीडिंग सुन लेंगे, आजकल तो सब लाइव चलती हैं, तो आपको उनकी जो स्टेट लैंग्वेज होगी उसी में सुनाई पड़ेगी। यूपी में आपको हिंदी के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं सुनाई पड़ेगी, बंगाल में यू विल हियर ओनली बंगाली, उड़ीसा में ओनली उड़िया, आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चले जाएंगे तो केवल तेलुगु में आपको सुनाई पड़ेगी। तो यहाँ तो इतना डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड रीजनल लैंग्वेज का सिस्टम है, उसको छोड़ के वो बताते हैं कि साहब की रब्बा ऐश और ये सब जैसे तरह की सारी लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की, रूमी की कहानी उसमें लेके आए, तो नाम रख दिया ब्रह्मास्त्र। तो ये सब चीजें तो आजकल सब एनालाइज हो जाती है ना, कि तुम फिर से वही एंटी हिंदू एजेंडा, क्योंकि तुम चूंकि देख रहे हो कि हिंदू कॉन्शियस हो गया है तो फिर उसको तुम ड्रेसअप करके इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हो। तो आजकल तो सब आ जाता है सोशल मीडिया पे, उसमें क्या दिक्कत है। और उसके बाद करण जौहर जो है वो फिर वो खड़े हो गए, जिसको जहाँ देखना वो देखे, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखे, तो ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। जो हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम टू बॉयकॉट। ठीक है, तो लोग अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर रहे हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर उर्दू भी तो हिंदी से ही निकली है, उर्दू कौन सी अलग लैंग्वेज है, उसमें ये भी तो मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है, आपसे ज्यादा मतलब कौन जानेगा, आपको ज्यादा हिस्ट्री है, आपको शायद जानकारी हो कि पहली बार अकबर ने ये सिस्टम लाया था कि उसने ही इम्पोज्ड पर्शियन राइट डाउन टू दी विलेज लेवल, कि विलेज लेवल का भी जो फंक्शनरी है वो भी रिकॉर्ड कीपिंग पर्शियन में ही करेगा। तो जब इतना हेविली इन्होंने ऑफिशियली पर्शनाइज्ड किया, तो उसका जो फिर बाद में प्रोडक्ट निकला वो है उर्दू। वही ना सर, हमारे भी यही बताया जाता है कि 5 लैंग्वेजेस को मिक्स करके और इस तरह से फिर उसमें सारे संस्कृत भी है, हिंदी भी, अरेबिक भी, पर्शियन भी। तो लेकिन सर अगर मैं लास्ट में आपसे ये पूछूं कि यहाँ तो मैंने इस किस्म की वीडियोस भी देखी हैं, इंडिया इंडिया की ही हैं ऑब्वियसली, कि जहाँ पर जो है स्मगलिंग की जा रही है जो है वो गाय की और इस किस्म की, वो स्मगलिंग में और हिंदूज इन्वॉल्व में, उसमें कोई मुसलमान नहीं है, तो इन चीजों को भी तो देखें। और साथ बॉर्डर पे, पाकिस्तान का बॉर्डर हो या कोई, वहां से भी इस तरह की स्मगलिंग की जाती है कि यहाँ पर जो है वो इस साइड पे कर देते हैं, बॉर्डर की दूसरी साइड पे, यानी बेच दिया जाता है। पाकिस्तान के बॉर्डर के साइड पे तो तो कहा यही जाता है, सुनने में यही आता है सर, सुनने में यही आता है। लेकिन खैर वो जो स्मगलिंग कर रहे थे, वो तो वीडियो मौजूद है, वो पानी के थ्रू पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। बांग्लादेश में तो, बांग्लादेश में तो होती है, और वो पूरी की पूरी वो जो इस वक्त की वहाँ की जो गवर्नमेंट है और उसके पहले की जो गवर्नमेंट थी, यानी पहले वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी बंगाल में, और इस वक्त जो है वो TMC है, विच इज अगेन लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट, मतलब वो कम्युनिस्ट से भी ज्यादा लेफ्टिस्ट है। तो वो तो एंटी हिंदू या कोई हिंदू बिलीफ सिस्टम या कोई हिंदू मान्यताएं उनको इंसल्ट करने में, उनको हर्ट करने में तो दे फील प्राउड ना। कम्युनिस्टों का तो काम यही है, कम्युनिस्टों का काम यही है कि जो नेटिव कल्चर है उसको ख़त्म करो, तो इसलिए वो उसमें इन्वॉल्व है। फिर क्रिमिनल्स तो सब जगह होते हैं, है ना, क्रिमिनल ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सोसाइटी इज फ्री ऑफ क्रिमिनल्स, दे कमिट दीज क्रिमिनल एक्टिविटीज बट दे कॉट गेट कॉट ऑल्सो। अब जैसे अब ये उसका, उनका जो सबसे बड़ा एक लीडर है अनुव्रत मंडल, वो पकड़ा गया है इसमें, और वो पकड़ा गया है तो पता चल रहा है कि उसकी जो क्राइम की प्रोसीड्स थी वो बहुत ऊपर तक जाती हैं। तो इस समय पूरे के पूरे TMC में खलबली मची हुई है बुरी तरह से, जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसमें। तो द प्रॉब्लम इज दैट सम गवर्नमेंट्स कंडोन क्राइम, क्राइम हो, पकड़ी जाए, उसका प्रोसिक्यूशन हो, ये तो हर सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये सिस्टम है कि क्राइम होती है तो क्राइम का एक सिस्टम होना चाहिए जो कि प्रॉपरली फंक्शन करना चाहिए। जब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है तब ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में हम आप बात कर रहे हैं।
बिल्कुल, लेकिन सर इस बारे में बात करते रहना चाहिए, और मेरे ख्याल है कि हर एक को जो है हर रिलीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और इस तरह से नहीं, बहुत अजीब लगता है मुझे, अजीब के अलावा बुरा भी लगता है जब मैं इंडिया से इस किस्म की न्यूज़ सुनती हूँ। स्पेशली ये इसकी वीडियो भी देखी मैंने, उस बच्ची की बेचारी जिसको मारा है इसने, शाहरुख ने, बहुत बुरा लगा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब तक आप कोई सख्त किस्म की सजाएं नहीं देंगे, ये लोग रुकने वाले नहीं है। ये भी है हमारे यहाँ पॉक्सो एक्ट बना हुआ है, तो वो पॉक्सो एक्ट में भी वहाँ की सरकार ने उसको कोशिश की, पॉक्सो एक्ट इज बिलो 18 ईयर्स, अगर बिलो 18 ईयर्स किसी बच्चे के साथ में या बच्ची के साथ में कोई जाती होती है तो फिर वो पॉक्सो एक्ट लगता है, उसमें सजाएं बहुत सख्त हैं और उसमें बेल वगैरह भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी वहाँ का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने जो है वो उसको लड़की को एडल्ट दिखा दिया। तो ये जो हंगामा हुआ है वहाँ पे और जो बिल्कुल एक तरह से जिसको हम कहते हैं एक एक्सप्लोजन हो गया, वो इसी वजह से हुआ क्योंकि कवर अप भी करने की कोशिश की गई और कवर अप करने वाले का नाम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का हैपेंस टू बी नूर मुस्तफ़ा, तो इसलिए और हंगामा हो गया कि जानबूझ के किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और इस चीज के ऊपर यकीनन जब तक सख्त सजाएं देंगे तभी ये सब कुछ कंट्रोल होगा। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।